गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सभी? सभी अच्छे हो ना? ओके बेटा, टुडे वी विल लर्न द न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. इट इज़ चैप्टर नंबर 6, फोर्स वर्क एंड एनर्जी. इन दिस वी विल लर्न अबाउट फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. Then next topic we will learn about work. In this we will learn about the machines. Then we will learn about energy, the ability to do work. Then energy mein aap padhenge. What we will read? We will read about the sources of energy and different source, different forms of energy. So first of all we will start with force. So do you know what is the meaning of force? You have seen a cricket match. Aapne cricket ka match dekha hoga, in which the bowler is bowling. है ना, बॉलर क्या करता है, बॉलर का क्या काम होता है, बॉलर का काम होता है बॉल फेंकना, है ना, बॉल करना. सो द बॉलर यूजेस फोर्स टू बॉल. द बॉलर क्या यूज करता है बॉल करने के लिए? फोर्स यूज करता है. द बैट्समैन यूजेस फोर्स टू हिट द बॉल. अब जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है? व्हाट इज द बैट्समैन डूइंग? द बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल. सो व्हाट ही इज यूजिंग? ही इज यूजिंग फोर्स टू हिट द बॉल. एंड द फील्डर जो ग्राउंड में होता है, आपने सभी ने क्रिकेट मैच आप देखते हो, सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. तो जो फील्डर होता है वो क्या यूज करता है? वो भी, he also uses force to stop the ball. जो फील्डर होता है वो बॉल को स्टॉप करने के लिए वो भी किसका यूज करता है? फोर्स का यूज करता है. These are the ways in which the cricketers use force. ये जो वेज है, जैसे बॉलिंग, देन बैटिंग, देन फील्डिंग to stop the ball. In this, the cricketers are using some force. So, what is force? Do you know what is force? To understand force, I have given you example of cricket match. Okay, now simple example. Here you can see a picture in which a girl is moving a cart and in which a flower pot is kept. Okay, and in second picture the woman is pulling something from that well. है ना, well से क्या कर रही है? पानी खींच रही. So first picture में आपको दिख रहा है कि जो गर्ल है शी इज पुशिंग, है ना, पुश कर रही है, धक्का दे रही है. किसको दे रही है? कार्ट है, आपको दिख रहा है. इसमें एक जो है फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसको वो क्या कर रही है? शी इज पुशिंग. एंड इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी क्या कर रही है वो लेडी? वो लेडी जो गड्ढे में से क्या कर रही है? पानी खींच रही है, पुल कर रही है. सो they are using some force. Okay, what is force? Force is a pushing or pulling something. जो force होता है किसी चीज़ को push करना या किसी चीज़ को धक्का देना, और pull क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना, है ना. तो ये जो push और pull होता है, this push or pull is called a force. अब जब आप ये पुश या पुल कर रहे हो कोई भी चीज़, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर
यूजिंग सम फोर्स एंड यू आर यूजिंग या यू आर डूइंग सम वर्क, आप कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यू कैन यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, यू आर साइकिलिंग, यू है ना, सभी साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल सभी चलाते हैं. देन साइकिल कैसे चलती है, यू आर यूजिंग फोर्स और यू आर यूजिंग, यू आर पुशिंग द पैडल ऑफ द बाइसिकल, है ना. आप बाइसिकल का जो पैडल है उसको जब आप पुश करते हो, आप उसको जब धक्का देते हो, तभी वो, आप पैर से जब उसको धक्का देते हो तभी वो क्या करती है, बाइसिकल आगे बढ़ती है ना. देन यू आर कॉम्बिंग योर हेयर, जब आप अपने बालों को कंघा करते हैं तब भी यू आर यूजिंग सम फोर्स. देन व्हेन यू आर पीलिंग द ऑरेंजेस यू आर ऑल्सो यूजिंग सम फोर्स. दिस आर सम एग्जाम्पल्स. यू आर डूइंग एनीथिंग, एनी वर्क यू आर डूइंग, आइदर यू आर पुशिंग ए टेबल और यू आर पुलिंग ए टेबल, आप बेंच को खींच रहे हो या उसको धक्का दे रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क, है ना. तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज यूज्ड टू मूव ए बॉडी. जो फोर्स होता है उससे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मूव करने में हेल्प मिलती है. वी आर मूविंग ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बाई द हेल्प ऑफ फोर्स. देन इन दिस गिवन फोर्स इज यूज्ड टू मूव ए बॉडी. अब कौन सी बॉडी, जो बॉल है वो एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, है ना. जब हम बॉल को थ्रो करते हैं देन वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, वी आर पुशिंग इट, देन द बॉल मूव्स. बॉल क्या होती है, बॉल मूव होती है, होती है ना. जब आप उसको फेंकते हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है. देन सेकेंड वन, बॉल को रोकने में, कैचिंग द बॉल, और टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. सेकेंड वन, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस लिए अप्लाई कर रहे हो, टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. एंड थर्ड वन इज गिवन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. तो जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट कर रहा है ना, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी जो दिशा है कहीं पे भी वो मार सकता है ना, आगे भी पीछे भी कहीं पर भी वो मार सकता है. तो उसकी क्या होगी, बॉल तो सीधी आ रही है, सामने से आ रही है, बॉलर किधर से बॉल फेंकता है, बॉलर सामने से बॉल फेंकता है. तो बॉल जो है जब सीधी आएगी तो जब बैट्समैन उसको हिट करेगा, बैट से जब उसको हिट करेगा, मारेगा बॉल को, तो क्या होगा, जो फोर्स जो अप्लाई होता है उस फोर्स से जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है मूविंग बॉडी की. जस्ट लाइक आप फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर किकिंग द बॉल, ओके, देन यू आर अप्लाइंग सम फोर्स. यू आर पुशिंग द बॉल, देन यू आर अप्लाइंग सम फोर्स. देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू वांट टू स्टॉप, यू विल अगेन put the leg on the ball, then you are also applying a force. So force can do many things. जो force होता है वो बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे to move an object, to stop an object, to change the direction of the moving object, and also to change the shape of the object. जैसे आपने देखा होगा रबर बैंड आप खींचते हो तो रबर बैंड्स शेप इज चेंज्ड. पीलिंग ऑफ ऑरेंजेस, व्हेन यू पील ऑरेंजेस देन आल्सो द शेप ऑफ द ऑरेंज चेंजेस. जब आप ऑरेंज खोलोगे तो उसमें क्या होता है, अलग अलग फाक अलग अलग हो जाती है ना, सारी जैसे जुड़ी हुई रहती है, जब आप पील कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारे ऑरेंजेस की जो फाक होती है वो अलग अलग हो जाती है. सिमिलरली जैसे अनार होता है, पोमग्रेनेट होता है, जब आप उसको पील करते हो तो क्या होता है, सारे दाने बिखर जाते हैं. सो
द जो फोर्स होता है इट ऑल्सो चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी. जैसे आपने आटा गूंथा है, देन यू आर मेकिंग चपाती, देन यू नो दैट द शेप ऑफ द चपाती इज राउंड और सर्कल. सो वॉट इज द शेप ऑफ द डव? जो डव होता है उसका शेप कैसा होता है? उसका कोई शेप नहीं होता. जैसा शेप आप बनाना चाहो वैसा बन सकता है, उसका भी शेप चेंज हो जाता है. वेन यू विल अप्लाई फोर्स ऑन दैट डव इट चेंजेस इंटू सर्कल. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स विच चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स. सो वॉट इज फोर्स? फोर्स कैन बी यूज टू पुश और पुल समथिंग. जो फोर्स होता है उसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं? किसी चीज़ को पुश करने में, धक्का देने में, या किसी चीज़ को पुल करने में या खींचने में. सो फोर्स इज यूज्ड टू पुश और पुल समथिंग. देन वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पेडल ऑफ ए बाइसिकल टू मेक इट मूव. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल बिफोर दैट when we apply force to push the pedals, जब हम pedals पर push करते हैं तो हम क्या apply करते हैं? We are applying a force. Then the bicycle will move. जो bicycle होती है वो क्या करती है? Move करती है. जब हम उसके pedals पर एक force apply करते हैं, push करते हैं, तो हम एक क्या करते हैं? एक force apply करते हैं. Similarly we use फोर्स टू प्रेस द ब्रेक्स टू स्टॉप इट. जैसे आप बाइसिकल में पुश कर रहे हो, है ना, जब बाइसिकल के पैडल्स को आप पुश कर रहे हो तो बाइसिकल क्या हो रही है? मूव कर रही है. और जब आप उसके ब्रेक्स को प्रेस करते हो, जब आप उसके ब्रेक्स को दबाते हो, तब क्या होता है? वो बाइसिकल रुक जाती है, इट विल स्टॉप. सो there are various examples in your daily life where you are using force, where you are applying some force. जहाँ पर आप कुछ force apply करते हो आपके daily uses में, आप जो भी जिस भी work को करने में आप force apply करते हो, उसके examples आपको कल class में मैं पूछूँगी. I will ask the examples of force which you are using in your daily life. One more example I will give you. When you are playing with your toy train or toy car, not toy train, what you are doing? You are pushing it. आप उसको push करते हो. Then वो क्या होती है? वो car move करती है. Then when you want to stop it, You will उसको आप कैसे रोकोगे? आप उसको हाथ से ही रोकोगे, है ना. Then you are applying some force on it, so it will stop. Okay. Now you know that what is force. Force is a push or pull on something. And when we are doing some work, it is called force. Okay? Force can do many things. Just like it can move an object, it can stop an object, it can change the direction of the moving object, and also force can change the shape of the object. You should see the video and listen it carefully and try to understand the topic I have explained in this video. In the next class, we will learn the different types of forces. अलग अलग force के भी जो होते हैं, अलग अलग kinds होते हैं, types होते हैं, force भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो अगली class में हम लोग different types of
फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. फॉर टुडे वी आर कंप्लीटिंग नाउ. थैंक यू.